न कोहली न बुमराह न हार्दिक, रोहित ने तीन को बताया वर्ल्ड कप जीत का हीरो। ये थे T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के तीन स्तंभ। कैसे भारत बना क्रिकेट मैदान का बेताज बादशाह। कप्तान रोहित के इस बयान से क्रिकेट जगत में मची खलबली। विराट हार्दिक भी सुनकर हुए हैरान। रोहित शर्मा को टीम इंडिया की कप्तानी साल 2022 की शुरुआत में मिली थी। उनकी कप्तानी में भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में जीतकर आखिरकार ICC ट्रॉफी जीतने के 11 साल के सूखे को खत्म कर दिया। अब हिटमैन ने टीम इंडिया की सफलता के तीन सबसे बड़े सूत्रों का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि कौन से वो तीन स्तंभ हैं जिनके कारण भारत वर्ल्ड चैंपियन टीम बन पाई। T20 वर्ल्ड कप 2024 की ऐतिहासिक जीत के बाद याद करते हुए रोहित शर्मा ने BCCI सचिव जय शाह, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और भारतीय टीम के पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ का धन्यवाद किया। रोहित ने जय शाह, अजीत अगरकर और राहुल द्रविड़ को ऐसे तीन स्तंभ बताया जिन्होंने टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में अहम योगदान निभाया। हिटमैन ने कहा कि टीम को चाहे हार मिले या जीत, लेकिन उनका परम उद्देश्य ड्रेसिंग रूम में सकारात्मकता पैदा करना था। उनके अनुसार जय शाह, अजीत अगरकर और राहुल द्रविड़ ने अपनी अपनी भूमिका को बखूबी निभाया और साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों के योगदान को भी सराहा। भारतीय टीम ने जून के महीने में ICC की T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम की थी। भारतीय टीम ने फाइनल मैच में साउथ अफ्रीका को हराकर यह उपलब्धि हासिल की। टीम को चैंपियन बनाने में रोहित शर्मा ने खुद अहम योगदान निभाया था। इसके अलावा विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने तीन अन्य लोगों को इस जीत का श्रेय दिया है। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जीतने का श्रेय पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़, BCCI चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर और BCCI के सचिव जय शाह को दिया। रोहित ने कहा कि इन्होंने खिलाड़ियों से बेहतरीन प्रदर्शन निकालने के प्रयास में पूरा समर्थन दिया, जिसकी वजह से भारत T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत सका। रोहित ने कहा कि मेरे लिए सपना था कि टीम को ऐसा बनाऊं कि परिणामों के बारे में ज्यादा चिंता नहीं किए बिना सभी खिलाड़ी स्वतंत्र रूप से खेल सकें। यही जरूरी था। मुझे अपने तीन स्तंभों से बहुत मदद मिली, जो वास्तव में जय शाह, राहुल द्रविड़ और अजीत अगरकर है। T20 वर्ल्ड कप अब बीती बात हो चली है और अब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का ध्यान अगले लक्ष्यों पर है। इस साल के अंत तक टीम इंडिया को 10 टेस्ट मैच खेलने हैं, जिनमें 2 बांग्लादेश के खिलाफ, 3 न्यूजीलैंड के खिलाफ और फिर भारत को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैच खेलने हैं। यदि भारत इन सभी मैचों को जीत लेता है तो उसकी लगातार तीसरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह पक्की हो जाएगी। BCCI सचिव जय शाह भी उम्मीद जता चुके हैं कि भारतीय टीम का भविष्य उज्ज्वल है और उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार भारतीय टीम जरूर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतने में सफल होगी। टीम इंडिया को चैंपियन बनाने में रोहित शर्मा और उनके साथी खिलाड़ियों का अहम योगदान था। रोहित शर्मा ने पूरे टूर्नामेंट में अपने बल्लेबाजी से शानदार प्रदर्शन किया। वो अफगानिस्तान के बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज के बाद टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी रहे। इसके अलावा विराट कोहली ने फाइनल मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी की और हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह ने अपनी गेंदबाजी से टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। इस मैच में सूर्य कुमार यादव ने भी ऐतिहासिक कैच लेकर भारत को 11 साल के बाद चैंपियन बनाने का सपना पूरा किया था। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।